लाल लाल पूरा 1,000 रुपये कैरेट है यार, 1 कैरेट का 1,000 रुपये। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज है 16 मई सोमवार और अभी सुबह के बज रहे 6:30। तो गाइस ऐसा है कि अभी मैं जो है टमाटर और कुछ सब्जियां मिलेगा लेने के लिए जा रहा हूँ बाड़ी, क्योंकि तखतपुर मंडी में बहुत ज़्यादा रेट जो है ज़्यादा बता रहे हैं टमाटर का, लगभग 800-1,000 के आसपास। अब वहाँ जाके आज देखते हैं कि क्या रेट में अपने को टमाटर जो है मिलता है। सिर्फ 5 कैरेट टमाटर ही लेना है और बाकी सब्जियां तो नहीं लूँगा सोच रहा हूँ, क्योंकि तखतपुर सब्जी मंडी में सब्जियां जो है ज़्यादा सस्ता है एज़ कंपेरिजन टू बाड़ी, है ना। बाड़ी के तुलना में मंडी में जो है सब्जी ज़्यादा सस्ता है और टमाटर जो है यहाँ महंगा है। तो चलो अब चलते हैं अपन नया पारा टमाटर खरीदने के लिए। देख सकते हैं अपना गाड़ी जो है रेडी है और प्रदीप भैया भी आज जाऊंगा बोला है यार, तो उसको भी लेके चलते हो दिखा के लाते हैं। तो चलो गाइस। तो गाइस अभी नंगोई पहुंचे हैं और ठीक है, प्रदीप भाई ये भी बोल रहे हैं जाऊंगा करके बताया तो था मैं वहाँ आप लोग को, इसको बाड़ी जो है दिखाने लेके जा रहा हूँ कि वहाँ क्या रेट में मिलते हैं करके। ये मेरे को कॉल करके बुलाया तब जाके आया। तो चलो यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस अभी 7 बज रहे हैं और थोड़ा सा पैसा जो है कम पड़ रहा है अपने पास। तो ये देखिए गाइस, ये अपना सेठ है, पैसा देने आ रहे हैं भाई। सेठ जी से ले रहे हैं 2,000 रुपये, ला भाई नगद में दो 2,000 रुपये। ये देखिए 2,000 रुपये पैसा इससे ले रहे हैं। हेलो भैया, प्रदीप भैया धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, तो ठीक भाई धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे सब्सक्राइबर हैं यार। 2,000 रुपये मेरे को ऐसे ही दे दिए, इसको वापस करना नहीं पड़ेगा। दिया भाई ये 2,000 रुपये दान कर दिया है बंदा जो है मेरे को। तो चलो अब निकलते हैं टमाटर खरीदने, इसको 2,000 के बदले में 1 किलो टमाटर मिलेगा। ठीक है भाई, 60 रुपये किलो वाला। तो भाई 7:30 बज रहे हैं सुबह के और बाड़ी जो है पहुँच चुके हैं। टमाटर भिंडी बरबट्टी वगैरह वगैरह लगा है, जिस भैया से रोज़ लेके जाते हैं टमाटर उसी उन्हीं के आए हैं। और एक जगह और पता किया है उस वाले प्लाट में, तो बोल दिए कि टमाटर नहीं मिलेगा करके, नहीं है करके। तो यहाँ पता करते हैं टमाटर भैया देते हैं कि नहीं, पता नहीं दिख तो नहीं रहे हैं कहाँ है वो भैया। टमाटर है गाइस, देखिए टमाटर, ऐसा टमाटर है अभी, थर्ड क्लास टमाटर। कैसा लग रहा है टमाटर देख के भाई? 800 बहुत ज़्यादा है का। तो गाइस यहाँ भैया जो है टमाटर नहीं दे रहे हैं यार, टमाटर ख़त्म हो गया है बोल रहे हैं, सिर्फ 1 कैरेट टमाटर मिलेगा करके बता रहे हैं। वो भी 800 रुपये रेट लगाऊंगा बोलते हैं यार, पूरा जान ले डालेंगे हम लोग का। 25 किलोमीटर दूर से आए हैं, उसमें भी इतना रेट, क्या बेचेंगे भाई। अभी भिंडी तोड़ने में व्यस्त है लोग, देख 50 रुपये कहाँ भैया नहीं बिकते यार, 50 रुपये 50 नहीं बिकते भाई, 30-40 बिकते हैं। हाँ पेंड्रा और तखतपुर में अंतर है भाई। भिंडी क्या रेट भैया? 3 रुपये किलो। किसान आदमी है, सौदा का थोड़ा छोड़ दे। भिंडी 3 रुपये किलो मिल जाएगा बोल रहे हैं, टमाटर बस का रेट जो है हाई फाई है। अब देखते हैं टमाटर, एक जगह और बात हुआ है वो अगर टमाटर दे देते हैं तो बढ़िया रहेगा। भैया मुस्कुराते हुए आ रहे हैं भाई, टमाटर मिल गया करके बड़ा ही खुश, बढ़िया लग रहा है नहीं भाई, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है टमाटर मिल गया करके। सो गाइस यहाँ सिर्फ 2 कैरेट टमाटर मिला है और आगे और एक जगह किसान के यहाँ जा रहे हैं पता करने, हो सकता है वहाँ मिल जाए, तो देखते हैं क्या रेट में वहाँ लगाता है। यहाँ 800 रुपये बोला है। टमाटर मिल जी का है भैया, टमाटर मिल ही का। ये देखो टमाटर तो बहुत बहुत टमाटर है गाइस, देखो ठीक है टमाटर। तो गाइस देखिए टमाटर ये लाल लाल पूरा 1,000 रुपये कैरेट है यार, 1 कैरेट का 1,000 रुपये। क्वालिटी देखिए टमाटर का, देखने में तो ठीक दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया है, बस रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। क्या करें भैया, लेंगे नहीं यार? अरे कुछ डिस्काउंट विस्काउंट पूछने यार। दीदी कुछ कम पड़ी का? 1,000 से कम पड़ भी नहीं करे। तो गाइस टमाटर यहाँ नहीं लिए हम लोग, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है यार, अपने को नहीं पोसाएगा। निकल रहे हैं यहाँ से, अब जहाँ 2 कैरेट बोले हैं वहीं 2 कैरेट प्रदीप भाई के लिए, 2 कैरेट मेरे लिए, फिर 4 कैरेट टमाटर लेके चलेंगे। और यहाँ का टमाटर बहुत तगड़ा था यार, लेकिन रेट भी एकदम तगड़ा था, 1,000 रुपये पर कैरेट बिकता नहीं है अपने साइड में। चले भैया गाइस, मछली आया है बिकने, ये देखो टमाटर लेने आए थे, मछली लेना है? अरे तो ले लेते ना यार। क्या किलो भैया? 130 रुपये। का मछली है मन? कतला रोहू, सब मर गए हैं। 120 रुपये किलो बता रहे हैं गाइस, देखिए मछली, ये मछली का आंका ले कम नहीं पड़े भाई, 120 ले।
एक किलो। गाइस प्रदीप भैया ने एक किलो मछली लिया है, लेने आए थे टमाटर लेकिन ले लिए एक किलो मछली। मैं तो मछली मेरे को पसंद नहीं होता इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, यही ले रहे हैं मछली। गाइस ये भाई के बाड़ी में ले रहे हैं बरबट्टी, ये देखिए बरबट्टी का क्वालिटी कितना सुंदर है। ये देखिए बरबट्टी ले रहा हूँ मैं, तो चलो गाइस बरबट्टी को भर लिया जाए इसमें बोरी में अपने, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे अपन घर के लिए। 11:30 बज रहे हैं और अभी आधे रास्ते पे रुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो किसी सज्जन पुरुष ने व्यक्ति ने भाई मस्त घड़ा रख दिया है पानी पीने के लिए। भैया लोगों ने पहले पानी पीते हैं फिर मस्त ठंडा टाइप से प्रदीप भैया की तरह से स्प्राइट पियेंगे यार। देख लो भाई ये ठंडा ठंडा पानी, ठंडा पानी करसी का मतलब से देख खोदते हुए आ रहे पानी ढूंढते हुए, मतलब गला एकदम सूख गया है यार, क्या बताएं हालत ख़राब। मेरे को भी देना भाई एक गिलास है। कई गजब गर्मी इतना ज़्यादा है भाई, क्या बताएं आप लोग को, बहुत ज़्यादा। सवेरे एक निकला था लेकिन टाइम भी हो गया और भूख खाना वाना भी कुछ नहीं है, बहुत तेज़ भूख भी लग रहा है, फिर पानी ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस ये देखिए स्प्राइट प्रदीप भैया सामने है, बहुत बढ़िया। तब बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था भाई, इसको पीने के बाद मज़ा आ रहा है। गाइज और रास्ते पे ये पोपट आते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। गाइज रास्ते में प्रदीप भाई के गाड़ी का जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया था यार पूरा, उसकी गाड़ी को जो है रस्सी से अपना बांध के मैं खींचते खींचते लाया, ये वाला जो रस्सी लगा है उसमें बांध के खींचते खींचते अभी यहाँ से भाई जो पेट्रोल ले रहा है 120 रुपये से लीटर में खरीद रहे तेल। गाइज अभी शाम के बज रहे हैं 3, वहाँ से पहुँचा मैं घर, पहुँचते बज गया था अपन को एक बज गया था भाई, फिर उसके बाद नहाया वहाया फिर मस्त टाइप से सोया था, फिर अभी सो के उठा हूँ। तो अभी ऐसा है कि आलू लेने के लिए मेरे को जाना है तखतपुर, वहाँ सब्जियाँ लेके आए हैं आलू बस और लाने जाना है। तो अब तखतपुर में आलू जो किसी सेठ की दुकान से ख़रीदेंगे, किराना दुकान से आलू क्या रेट में मिलता है वहाँ। 4:30 बज रहे हैं शाम के और देखिए गाड़ी आ गया, अपना गाड़ी में जा रहे हैं अभी अपन ठंड ठंड का बाज़ार। तो चलिए वहीं आप लोग से मिलता हूँ क्योंकि साउंड के खातिर आप लोग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। देखिए गाड़ी पूरा सामान डाल दिया है, आलू लेके आके सीधा गाड़ी पे डाला मैं ला के। चलो मिलता हूँ आप लोग से मैं सीधा ठंड ठंड के बाज़ार। तो गाड़ी यही 5 बज रहे हैं और जस्ट अभी पहुँच कर तैयार हुए ठंड ठंड का बाज़ार। गाड़ी से सामान वामान को देख लेते हैं पूरा उतार लिया है, तो चलिए दुकान को अपना लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या सब्ज़ी लेके आए हैं और क्या क्या रेट है। सो गाइस 5:30 बज रहे हैं और देखिए बाज़ार लगा के यहाँ पूरा सामान जो है मुझे लगा दिया है। तो ये देखिए अपना दुकान, आलू प्याज टमाटर बरबट्टी भिंडी लौकी ढोड़का धनिया मिर्ची अदरक पूरा। और सब्जियों के रेट की बात करें तो आलू है 25 रुपये, प्याज है 15, टमाटर बेच रहे हैं 40, बरबट्टी 10, भिंडी 10, लौकी 10 और ढोड़का भी 10, ये रेट में बेच रहे हैं। कस्टमर मान नहीं रहे हैं यार, आलू को सस्ता बोल रहा हूँ इतना फिर भी बहुत परेशान कर रहे हैं मेरे को यार। ले लो भाई ले लो यार, जितना मन में आए उतना में ले लो, पैसा मन पड़े तो दो नहीं तो मत दो। तो ठीक है गाइस मिलते हैं आप सीधा शाम को सब्जियाँ पीने या नहीं पीने के बाद। देख सकते हैं अभी शाम का बज गया है 7:30 और मार्केट उतना अच्छा नहीं था यार, बहुत सारा जो सब्जी है वो आज बचा हुआ है। देखिए वहाँ से लेकर अब पूरा देर वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक सब्जियाँ बचा है, अब इसको सवेरे कहीं लेके जाएंगे बेचने के लिए। अभी फ़िलहाल इसको बोरा में भरते हैं और लेके चलते हैं घर। तो चलो अब आप लोग से मैं जो सीधा मिलता हूँ घर में और बताता हूँ कि क्या हाल रहा मार्केट का। सो गाइस पहुँच चुके हैं मार्केट से घर और देखिए जो बचा हुआ टमाटर आलू और क्या क्या है उसको लगा दिए कैरेट में। एक कैरेट बस है पूरा टमाटर, फिर प्याज और एक कैरेट है पूरा अपना ये आलू और इसमें भाई है भिंडी और नीचे लौकी और बरबट्टी, इतना आइटम जो है बचा हुआ है। सो गाइस बाहर आप लोग को दिखाया कि आज की सब्जियां जो है बच गई है, उतना अच्छा जो है मार्केट नहीं था यार। बात करें आज मार्केट की, मैं लेके आया था 3000 की सब्जियां समथिंग बना था और 3000 की सब्जी में बिक्री बोले तो 1500 रुपये का बिक्री हुआ यार, बहुत ही गंदा टाइप से मार्केट था, मार्केट चल ही नहीं रहा है। मतलब 10 रुपये भिंडी 10 रुपये बेचा फिर भी नहीं बिका, बरबट्टी भी 10 बेचा, मतलब 5 में मैं भिंडी लेके आया था
और 5 रुपये किलो में बरबट्टी ले गया तो उसको 10 ही बेचा, लेकिन फिर भी नहीं बिका। कस्टमर जो है और कम मांग रहे थे, तो ऐसा ही ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता यार उतना। और 10 किलो तो बरबट्टी टोटल मिला के 15 किलो बरबट्टी था, तो 5 रुपये किलो मिल रहे, 15×5 75, 5 रुपये थे, 70 रुपये मतलब मिलना था उसमें, लेकिन वो बिका भी नहीं। फिर पब्लिक जो है बोलते हैं कि 10 का 1.5 लगाओ, मतलब 10 का 1.5 बोले तो वो अपने को पड़ेगा 7 रुपये किलो के आसपास, तो उसमें क्या ही बनेगा भाई। तो इतना कम पब्लिक को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा कि 10 से कम ना मांगे करके, क्योंकि फार्मर्स को भी क्या फ़ायदा होगा यार, तो कोई सोचता नहीं है। और ऐसा कि इतना मोल भाव जो है सब्जी में क्यों होता है, मतलब ये मेरे को समझ नहीं आता। क्योंकि बाकी सभी चीज़ों का जब रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, खाने वाला तेल का बढ़ रहा है, कपड़े का बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो भाई सब्जी का भी रेट बढ़ना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है, सब्जी 10 रुपये में ही मिल रहा है तो 10 रुपये भी कम लगाओ। और टमाटर का रेट जो है मतलब मंडी से ही बढ़ गया है, आवक ही कम है तो 40 बेच रहे हैं, उसको क्या गलत बेच रहे हैं भाई। 850-850 रुपये खरीदी है और 40 बेच रहे हैं, फिर भी लोग जो है ले नहीं रहे, उसको बोलते 30 लगाओ 25 लगाओ, ज़्यादा लगा रहे हो शहर के। तो भाई जो चीज़ जितना पड़ता है उतना तो आदमी लगाता है ना, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आता है कि इतना, मतलब ऐसा लगता है कि किसान का सामान है ना तो एकदम सस्ता से सस्ता में हो जाए करके, कभी कभी मार्केट भी रुला देता है। क्योंकि आज की डेट में खर्चा भी चलाना बहुत मुश्किल है, 300-400 रुपये पर डे का नहीं कमाए तो क्या कमाए, है ना। तो यही है, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई नहीं, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। हाँ, हमेशा हर दिन एक जैसा नहीं रहता। आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा जो है मेरे को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए और सब्जियाँ बेचने के लिए भी। मेरा भी कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है यार कि दिन भर साला इतना मेहनत करो, सवेरे बेचने जाओ, फिर मंडी जाओ, फिर लाओ, और उसके बाद जो है कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसा लगता है कि साला बेकार है, इससे अच्छा तो जॉब ही कर लूँ करके। लेकिन ऐसा कि मतलब इसको छोड़ के भी नहीं जा सकता, क्योंकि पैसा का इतना ज़रूरत है और घर का भी सब्जी चलता नहीं है, तो इस वजह से करना भी पड़ता है। और कोई नहीं, आप लोग तो हो जो साथ देने वाले, तो अच्छा लगता है आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो धीरे धीरे अपनी फैमिली भी बढ़ रही है। तो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।